जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर से हाजिर हैं एक नई सुंदर सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। सूर्यवंश में त्रिशूंक नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो करते थे। विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से शरीर सहित स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशूंक के पुत्र थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश और त्रिभुवन भर में गाया जाता था। देवर्षि नारद के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या होने लगी थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए मुनि विश्वामित्र प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए और वे स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने हेतु धरती लोक पे चले गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र बातों ही बातों में उन्हें समस्त राज उनसे मांग लिया और भूमंडल के एक क्षत्र राजा वह थे। वह सारा राज्य मुनि के हाथ में भेंट स्वरूप दे दिया। उन दिनों काशी में एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी शेब्या और पुत्र रोहित के साथ काशी के तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब कुछ निष्फल होते हैं, अतः आप इससे दान का सारा भाग्य कैसे मुझे देंगे। दक्षिणा स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब कुछ रहा ना था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुँचे और सेव्य तथा रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चंडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी यहाँ रहकर काम करने लगे और इनको स्वामी मरघट के मालिक थे उनसे इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में रहने लगे और अपना जीवन यापन गुजारने लगे। इधर रानी सेव्या ब्राह्मण के घर रहकर बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहार देती और कुमार पुष्ट वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन हेतु पुष्प लाते। राज सुख भोगे हुए कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शेब्या और कुमार रोहित का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण सूख गया और उन्हें पहचानना अत्यंत कठिन हो गया था। इसी बीच एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन हेतु फुलवारी में गए हुए थे, तभी एक सर्प वहां आता है और शेब्या के पास रोहित के को डस लेने के कारण सेव्या के पास रोहित के लिए कफन का कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता भाव से पुत्र को शोक में देखते हुए वो अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर अपने पति को कफन के रुपये जगह में वो सौंप देती हैं और पुत्र शोक में बहुत दुखी रहती हैं। यहाँ तो पिता नहीं थे, वे मरघट के स्वामी नौकर के रूप में थे। उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन या बिना जलाने नहीं दिया जाता था। राजा धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए, जबकि रानी स्वामी के किसी तरह की बातों को नहीं टालते हुए साड़ी के 2 टुकड़े कर कफन के रूप में रानी शेब्या ने राजा हरिश्चंद्र को वो टुकड़े दे दिए। वहाँ भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हुए और ये सब लीला देखकर कहें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, वो भी महाराज इंद्र के कहने पर कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है, आप इस परीक्षा में सफल हुए
और उन्होंने फिर से रोहित को जिंदा कर दिया और बहुत सारे धन्य धान और तीनों लड़कों के राज उन्हें लौटा दिया और उन्हें बैकुंठ जाने की प्राप्ति हेतु वरदान दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।